देखिए सरिया से तो हम चलने नहीं देंगे और संविधान इनके आगे डरा हुआ है, सरिया के आगे संविधान भी डरा हुआ है, संविधान पुलिस प्रशासन सब सरिया के आगे डरे हुए हैं, लेकिन हिंदू नहीं डरेगा, हिंदू नहीं झुकेगा, हिंदू इनकी कभी कोई बात से न डरा है न झुका है न झुकेगा। आए दिन धमकी दी जा रही है, आप कह रहे हिंदू नहीं झुकेगा, गला रेतने की धमकी दी जा रही है। अरे शौक से गला काटो, कितने का काटोगे? 10 लाख, 10 करोड़, 100 करोड़, कितनों का काट दोगे? एक का काटे हो, दो का काटे हो, तीसरे में हाथ लगाओगे तो प्रलय आ जाएगा, एक समय आ जाएगा कि घर में घुस के मारे जाओगे, कोई बोलने वाला नहीं पैदा होगा। और गले काटने या हिंदू के डरने की जो बात है, हिंदू डरा नहीं है, हिंदू को शिक्षा गलत दी गई है, हिंदू को पढ़ाया गलत गया है, हिंदू को संस्कार गलत दिए गए हैं, इसलिए हिंदू डरा हुआ है। जिस दिन अपने पे हिंदू आ गया, उस दिन ये चंद सुअर चंद जिहादी हमारे सामने खड़े हो पाएंगे। हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, कह रहे हिंदू डरा हुआ नहीं है तो क्या है? हिंदुओं का मजाक सेकुलर हिंदुओं की वजह से उड़ाया जा रहा है, ये पॉपुलर होने की वजह से उड़ाया जा रहा है कि आज के समय में मैं किसी को गाली दे दूं, मैं किसी के खिलाफ बोल दूं, मैं देवी देवताओं का मजाक उड़ा दूं, मुझे पूरा भारत जानेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि पूरा भारत जानेगा, उसके बाद आपके साथ क्या होगा, कब होगा, ये कोई नहीं जानता। इसलिए हिंदू को एक गर्व की नजरिए से जो देखा जाता था, वो धीरे धीरे जिहादियों के द्वारा, सेकुलर के द्वारा खत्म कर दिया गया है। एक डायरेक्टर है, खुलेआम काली का पोस्टर बना रही है और कह रही है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। एक डायरेक्टर नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो खुलेआम देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, जो खुलेआम नग्न तस्वीरें बनाते हैं देवी देवताओं के, उनके ऊपर कार्यवाही सरकार भी नहीं करती। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, किनसे सरकार डरती है? इनसे कोर्ट डरता है, सुप्रीम कोर्ट डरता है, संविधान डरता है, लेकिन हिंदू नहीं डरता है। वहाँ पे सोचते हैं कि एक का गला काट दिया है तो लोगों में डर पैदा हो जाएगा, लोगों में डर पैदा नहीं है, लोगों को जो शिक्षा दी गई है प्रेम का, लोगों को शिक्षा दी गई है सद्भावना का कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के साथ गले से गले मिलके रहो। जिस दिन ये रवैया हम छोड़ देंगे ना, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है कि ये पाकिस्तान की पैदाइश वाले सुअर हमारे सामने खड़े हो पाएंगे? एक भी नहीं दिखेगा, केवल खड़े होने की बात है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है, कुछ संदेश जाएगा यहाँ से? संदेश यहाँ से हमें किसी को देना नहीं है, जिन कुत्तों को देना है उनके पास संदेश जा चुका है। अगर उनकी इतनी ही चलती है, इतनी ही ताकत है, तो मैं कह रहा हूँ जहाँ ये नपुंसकों की सरकार है, नपुंसक सरकार के अलावा कहीं जहाँ पे बीजेपी की सरकार हो, जहाँ पे हिंदूवादी नेता हो, वहाँ पे जाके ये कुछ करके दिखा दे, उनको फांसी पे लटका दिया जाएगा। और एक दो को जब तक ये मारेंगे नहीं, जब तक एक दो को मारेंगे नहीं, तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तालिबानी सजा देनी पड़ेगी, बीच चौराहे पे गोली मारोगे, अपने आप गला काटने वाला दहशत में मर जाएगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से मुल्ला मौलवी है, आपने देखा होगा, फतवे जारी कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं भाई इस्लाम तो ऐसी शिक्षा नहीं देता गला काटने की, लेकिन कोई भी मौलाना आके नहीं समझाता कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। इन सबकी जिम्मेदार राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी है, जो 3 लाख एनजीओ को रजिस्ट्रेशन करके जो पाकिस्तान से फंड मंगाना इन्होंने शुरू किया था अपने शासन काल में, ये केवल उसकी देन है। आज ये पंचर बनाने वाले इतने लाखों रुपए करोड़ों रुपए के मालिक क्यों हो गए हैं? हर जगह ये कूड़ा कबाड़ बीनते बीनते आज इतने अमीर तो नहीं हो गए हैं कि हमारे सामने खड़ा होने लायक है ये? लेकिन फिर भी ये एनजीओ के माध्यम से जो इनको फंडिंग होती रही, पूरे भारत में पता चला है, पूरे भारत में पता है, जज को पता है कि पीएफआई आतंकवादी संगठन है, फिर भी भारत में बैन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो जिहादियों का संगठन है, उसे बैन कर देंगे तो ये सरिया से चलने लगेगा कानून। तो जिस प्रकार यहाँ पे जज भी गलत रवैये के साथ चल रही है, पुलिस प्रशासन, किसी भी मुस्लिम बाहुल्य के इलाके में कभी चालान कटते हुए आपने देखा है? मैंने नहीं देखा। सीलमपुर है, बाबरपुर है, अकबरपुर है, हुमायूंपुर है, कभी कोई पुलिस वाला वहाँ पे चालान नहीं काटेगा। वहाँ पे बसे ओवरलोड चलती है, गाड़ियाँ ओवरलोड चलती है, कोई पुलिस वाला काटेगा नहीं चालान वहाँ पे। नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, विवाद को एक महीने से ज्यादा का समय होगा, लेकिन विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा, आए दिन धमकी दी जा रही है, कोई कहता है 1 करोड़ देंगे जीप काटने को। अब क्या लग रहा है कि मामला कुछ और है, नुपुर शर्मा को केवल बहाना बनाया जा रहा है देश में बड़ी साजिश रचने की? देखिए जब पाकिस्तान का बंटवारा होना था तब भी यही चला था, तब उनको भी जब उनको एक पाकिस्तान एक राज्य चाहिए था, एक देश चाहिए था अलग से, तो अब उन लोगों ने इसी तरह का ड्रामा शुरू किया था। उस समय भी 1922 1918 से लेकर 1923 तक लगातार आंदोलन किए, लगातार लोगों को मारे, धर्म के नाम पे भड़काए और फिर एक पाकिस्तान ले लिए 1947। आज भी वही हाल है, अब इनको भी एक अलग राज्य चाहिए, पाकिस्तान भारत में भी एक उनको अलग देश चाहिए, 3-4 राज्य में मिला के कहेंगे ये हमें हिस्सा दे दो,
तो वो दिन अब आने वाला नहीं है। इनके लिए ये गला काटना, ये धर्म के लिए लड़ना, इसके लिए कुछ मायने नहीं है। इनको एक अलग देश चाहिए, ये उसकी लड़ाई लड़ रही है। विवाद कैसे शांत होगा, लग रहा है कैसे शांत होगा? जो लोग धमकी दे रहे हैं उनका क्या इलाज है? देखिए, पहली बात, नुपुर शर्मा ने कोई गलत नहीं बोला है, नुपुर शर्मा कोई माफी नहीं मांगी है। उन्होंने बोला है कि अगर मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को गला काटा जा रहा है, मैं धर्म के खिलाफ हूँ, बोली हूँ, तो मैं माफी मांग रही हूँ। नहीं तो उनके जो टिप्पणी थी उसके खिलाफ उन्होंने माफी नहीं मांगा है। जो चीज तस्लीम रहमानी को क्यों नहीं सजा देते हो, वो भी तो यही कहता है, लगातार हर डिबेट में वो कहता है, उसको तो कोई नहीं देता सजा। जुबेर को जेल हो सकती है, नुपुर शर्मा को जेल क्यों नहीं? उस जुबेर जिहादी को जेल इसलिए हुआ है क्योंकि धर्म का नाम मजाक बनाया गया है, और उस धर्म का मजाक बनाने के लिए विदेशों द्वारा फंडिंग ली जाती है उसको। मोहम्मद जुबेर पैरों की धूल है और नुपुर शर्मा सिंहासन पे बैठी हुई रानी है। इन दोनों में बहुत अंतर है। मैं किसी कैसे सुअर की तुलना एक रानी से कर दूं? उसके में जमीन आसमान का अंतर है। मैं कह रहा हूं, वो कह तो नहीं है, नुपुर शर्मा जी ने बोला है ना कि अगर किसी को मेरे बयान से दुख हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट में आ जाओ, वो किताब लेके मैं आती हूँ, वो किताब लेके आप आओ। मुझे पढ़ाया अकबर महान, मैं कैसे मान लिया? किताब से ही ना, वही किताब में तुम्हारे जो लिखा है उन्होंने कहा है, गलत क्या है उसमें? हिंदुओं की एकता को कायर बनाने का काम सर्वप्रथम संविधान ने किया है। एक अगर कोई किडनैप करता है किसी को तो 5 साल की सजा है, 7 साल की सजा है, विदेशों में 50 साल की सजा है, 100 साल की, 500 साल की सजा है। यहाँ पे कुछ भी कर लो, खुलेआम मंच से बोला गया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और 15 मिनट में ही सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। वीडियो था ना, कोर्ट ने क्या किया, संविधान ने क्या किया, छोड़ दिया। कमलेश तिवारी को मारे गए, पकड़े गए 11 लोग, कितने लोग आज जेल के अंदर बंद है किसको पता है? 5 लोग छूट दिए, मेन अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया। कन्हैया को, उमेश कन्हैया को मारने वाले का पुलिस कहती है कि भैया तुम बोल देना मैं नशे में हूँ इसलिए वीडियो बना लिया, ये पुलिस की मानसिकता है। कन्हैया के हत्यारों को फांसी की सजा मिलेगी या फिर मिलेगा वही तारीख पे तारीख? उनको कुछ नहीं मिलेगा, जिस तरह वहाँ पे नपुंसक सरकार है उनको कुछ नहीं मिलेगा। जब पुलिस कह रही है, कोर्ट कह रहा है कि तुम ऐसे करोगे तो बच जाओगे, ऐसे करोगे तो छूट जाओगे, उनको कौन सजा देगा? वहां पे बीजेपी की सरकार भी वहां पे चुपचाप बैठी हुई है। सुषमा स्वराज को जरूरी है कि जब मुख्यमंत्री पद का दावेदारी करोगे तभी तुम्हें बाहर आना पड़ेगा? अरे हिंदुओं के लिए एक होके बाहर आओ ना, जरूरी है कि जब चोट वोट पड़ना होगा, चुनाव आएगा, इलेक्शन आएगा, तभी जाओगी राजनीति करने? अभी जाके उनके साथ खड़े रहो। बाहर से बंदा, यहाँ से हमारे माननीय कपिल मिश्रा जी वहाँ जा सकते हैं, वहीं के मुख्यमंत्री, वहीं के नेता, वहीं के लोग नहीं जा पा रहे हैं। मैम क्या वजह दिखाई दे रही है जिस तरीके से जो हो रहा है, देश संविधान से चलेगा, सरिया से चलेगा, सबसे बड़ा सवाल यही बन गया? जी बिल्कुल, हमारा जो संविधान है वो डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा लिखित संविधान है और भारत आज तक उसी संविधान पर चलता है, लेकिन अभी अचानक ये सर तन से जुदा सामूहिक बलात्कार जैसे जो ये दे रहे हैं सजा के, कानून की मांग कर रहे हैं कि शरीयत कानून की शरिया चलेगी, तो ये कहाँ से आ गया? हमारे देश में तो नहीं है। 57 इस्लामिक कंट्रीज में से शरीयत कानून 12 से ज्यादा कंट्रीज में नहीं है सर, तो जाइए ना, जिनको वो चाहिए वो बाहर जा सकते हैं इंडिया से। इंडिया में संविधान चलेगा इंडिया के हिसाब से। अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट भी आज गलत लक्ष्य पर चल रही है और अराजकता फैलाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ टिप्पणी दे रही है, ऑर्डर नहीं कहूंगी क्योंकि ऑर्डर होता है लिखित में, आप मौखिक में बोल रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, आप अराजकता फैला रहे हैं, आप एनार्किस्ट हैं, आप ये दिखा रहे हैं सूर्यकांत जी, पादरी वाला जी, क्या सब लोगों को पता चल गया इनके चेहरों पर से मुखौटे उतर गए? क्या है ये लोग? ये कम्युनिस्ट है, कांग्रेसी इनका बैकग्राउंड है, एंटी नेशनल, एंटी हिंदू लोग हैं, एनार्किस्ट है और एंटी कि इनको लगता है कि जो एक देश है भारत का, जो हिंदू है वो परोपकारी हिंदू है, हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। तो इसमें एक बात बताइए, ऐसे में जो आम आदमी है वो क्या करेगा? क्योंकि जो कोई पोस्ट करता है उसको शाम को धमकी मिल जाती है कि तुम्हारा भी गला रेत दिया जाएगा, सर धर्म से जुदा कर जाएगा। सर हिंदू धर्म सनातन धर्म ना, चाहे वो कोई भी हमारे इतिहासकार रहे हो, पुराने हमारे योद्धा रहे हो, आप देख लीजिए मोहम्मद गौरी ने कितनी बार चढ़ाई करी थी और अंत में उनका क्या हश्र हुआ, जबकि पृथ्वी आज चौहान जी उन्हें छोड़ते रहे। तो जो ये आज हिंदू है ना, ये जाग चुका है और उसी के लिए ये एक भव्य
भव्य एकता अखंडता दिखाने के लिए यहाँ आज ग्राउंड पर उतने शांतिपूर्वक तरीके से, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र का मैच हुआ था, जब कुरुक्षेत्र का रण हुआ था, युद्ध हुआ था, तो अर्जुन जी भी 18 अध्याय किशन भगवान ने उन्होंने सुनाए थे, लेकिन अर्जुन जी ने फिर भी विचलित थे, वो अपने मोह में थे, अपने सगे संबंधियों के, क्योंकि परोपकार था मन में, उसके लिए वो हत्याएं नहीं करना चाहते थे। उसके बाद कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया था, तो ये विराट रूप है जो आज पूरी दुनिया देखेगी, हर अराजक प्राणी देखेगा, सलमान चिश्ती जैसे लोग देखेंगे, रहमानी जैसे लोग देखेंगे, जुबैर जैसे लोग देखेंगे, क्योंकि ये हिंदुओं की, या सिर्फ हिंदू नहीं, किसी भी धर्म का या किसी देश का कोई भी सदस्य यहाँ पर आमंत्रित हो जो संविधान की हत्या नहीं चाहता। आप कह रहे हिंदू जाग चुका है, अगर हिंदू जाग चुका है तो आपने देखा होगा आए दिन हिंदुओं के धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है, चाहे शिवलिंग देख लो, नया विवाद चल रहा है, काली का पोस्टर है, फिर शिव जी का पोस्टर है, अगर हिंदू जाग चुका है तो आए दिन मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है हिंदू आस्था। सर मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि जो हमारे एंटी नेशनल कम्युनिस्ट जो ताकतें हैं अभी तक ये सत्ता में रही थी पीछे, तो इन्होंने जो पूरा जुडिशरी सिस्टम जो बना रखा है आप देख रहे हैं, मैं आपको दोबारा बोलती हूँ, सूर्यकांत जी का और इनका भांडा फूट चुका है, इनकी पीछे जो कि जनता इसके बारे में अवेयर नहीं थी, हिंदू जागा हुए, लेकिन हम शांति प्रिय लोग हैं, हम इंतजार करते हैं कि आसानी से प्यार से चीज़ों को निपटाया जा सके, हम अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं, सनातन धर्म परोपकार का धर्म है, लेकिन जब चीजें जब नाक से ऊपर पानी चढ़ने लगा है तो अभी भी हिंदू धर्म आज एकत्रित हुआ है, किसी बैनर के तले नहीं, आपको यहाँ पर बीजेपी का बैनर नहीं दिखेगा, आपको यहाँ संघ का नहीं, आपको यहाँ पर बजरंग दल का बैनर नहीं दिखेगा, आपको यहाँ राष्ट्रीय सेविका समिति का बैनर नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर कोई बैनर सेवा समिति का बैनर नहीं दिखेगा, आपको यहाँ दिखेगा हिंदू लोग, हिंदू से अर्थ मेरा सिर्फ भगवान राम की पूजा करने वाला, शंकर जी की पूजा करने वाला नहीं है, हर इंसान वो हिंदू है जो संस्कृति में विश्वास करता है, जो हमारे संविधान में विश्वास करता है, जो नियमों पर चलना चाहता है, जो कानून के अनुसार चलना चाहता है, वो हिंदू समाज आ जाए इकट्ठा हुआ है। भाई साहब हम तो एक ही संदेश देना चाहते हैं, जो ये हमारे हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है ना, ये कतई ना हो, इसके बारे में हम सरकार से और अपने सभी हिंदू भाइयों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो भी ये नरसंहार हो रहा है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, जो ये मुसलमान अपना हिंदुस्तान के अंदर शरिया कानून लाना चाहते हैं ये बिल्कुल हमारे हिंदुस्तानियों को गवारा नहीं होगा। वो तो कहते हैं कि कुरान के हिसाब से हम सही कर रहे हैं, वैसा ये हिंदुस्तान है, यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलता है, यहाँ शरिया का कानून नहीं चलता, वो अगर शरिया कानून चलाना चाहते हैं तो 65 कंट्रियां हैं उनके मुसलमानों की, वहाँ चलाए ना, कौन मना करता है, हम तो जा नहीं रहे उनके संविधान के लिए। ये माहौल क्यों बन रहा है, अगर कोई कुछ भी करता है तो उसको गला काटने की धमकी दे दी जाती है, ये कमी कहाँ दिखाई दे रही है। ये भाई साहब देखो कमी कुछ तो जो हमारे पिछली गवर्नमेंट रही है उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है, हमारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया मुगल काल के अंदर, और आज तक जो भी हमारी कांग्रेस की सरकार रही है उसने हमेशा जो है हिंदुओं का पतन और इन मुसलमानों को आगे ही बढ़ाया है, कभी हिंदुओं के बारे में कभी नहीं सोचा गया किसी के बारे में। क्या लग रहा है चाचा, कुछ होगा नहीं होगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा? होगा नहीं, इनसे कह दो अब होश में आ जा, हिंदू जाग गया अब तुम्हारी ईट से ईट बजा देगा, कहीं ये ना सोचो शरिया या हिंदुस्तान है हिंदुओं का राज, तुमने 40,000 मंदिर तोड़े, 40,000, और हम एक दो तीन मंदिर मांग रहे हैं तो तुम दे नहीं रहे हो, ये है कि बिना न माने जले जले और गए तीन दिन भी, लक्ष्मण बाण समारी है बिन भय हो, अब बिना भय के प्रीत ने बिना इन्हें टेलर दिखाएंगे, आज तो टेलर अभी फिल्म चालू है। अच्छा आए दिन हिंदुओं के धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता? अरे इस पर तो कुछ कोई कह ही नहीं रहा, वहाँ 56 दिन जागरे, अरे उसने क्या कहा निपुण शर्मा ने, उसने तो जो लिखा है वही तो कहा तुम्हारा, लेकिन इनने नहीं के बने पूरे 56 दिन जाग गए, तो हम क्या यहाँ तबले बजाने वाले थोड़ो हैं, अगर अब मैदान में आ गए तो इनकी एक सीट बच जाएगी, ये है हमारा। क्या लग रहा है हिंदुओं का मजाक उड़ाया जाता है, क्या वजह दिखाई देती है, कोई भी आता है हिंदुओं के धर्म का मजाक उड़ा के चला जाता है? क्योंकि भाई साहब हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, हिंदू को गरीब तबका समझा जा रहा है, हिंदू को यो समझ लो कि धर्म निरपेक्षता के नाम पे बहुत ज्यादा शोषण हुआ जा रहा है, और हिंदू इस टाइम पे धरातल और रसातल की तरफ जा रहा है, और हमारे ऊपर मारकाट मचाई जा रही है।
हिंदू जो है ना आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर भी सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस कर रहा है, तो कहाँ महसूस करेगा।